एक लड़का 20-21 साल का जब हो जाता है तो उसके माँ बाप उसके लिए लड़की तलाश करने लगते हैं, और लड़के के मन में क्या उमंगे आती है तो आज मैं आपको बताती हूँ कि लड़के के अंदर की फीलिंग क्या आती है। लड़के के अंदर की फीलिंग की शादी की नहीं रहती है, माँ बाप की शादी करवाने की फीलिंग नहीं रहती है। माँ बाप को चाहिए घर में क्या चीज़ घटा है उससे चार गुने की चीज़ खरीदने के पैसे चाहिए। लड़के को क्या चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। जैसे उसके माँ बाप कहते हैं कि जरे फ्रिज में से ये ला दे, तो वो सोचता है कि अरे कोई आ जाएगी तो हम उससे फ्रिज में से जूस मंगवाएंगे या कुछ करेंगे, तो उस काम के लिए वो लड़की से ब्याह कर लेता है। और तो और सुनो, ढंग से सुनो, आज अच्छे से सुनाएंगे आपको कहानी। ये सोच के लड़का कर लेता है, फिर लड़के के दिमाग में आता है कि अरे जब उसको पता चलता है कि हमको कार दिया जा रहा है या बाइक दिया जा रहा है तो उसकी उमंगें और बढ़ जाती है खुशी से कि चलो हमको कुछ तो कुछ मिल रहा है। लेकिन जब थोड़ा दिन बीत जाता है तो वो जब बाहर जाता है तो उसको और सामान दिखता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसके बाप से पैसे मांगूं, क्योंकि कभी तो कमाने का उसके अंदर इच्छा होती नहीं। कुछ लड़कों में वो तो जागृत होती नहीं है, माँ बाप तो करने ही नहीं, माँ बाप तो उसको नल्ला बना के रख देते हैं। दहेज लो, दहेज दो, माल लो, माल चाहो, यही चल रहा है दुनिया में। और उसके बाद में लड़की की क्या उमंग होती है आज मैं आपको बताती हूँ। लड़की को लोग इतना ज़्यादा भ्रमित कर देते हैं, लड़की को ये सब बताते हैं शादी होने के बाद में तुमको नए नए गहने कपड़े ये सब मिलेंगे। अब उस चक्कर में पगलेट लड़की कम बुद्धि होती है, शादी कर लेती है, बाद में उनको जब एक धरा बर्तन मांजने को होता तो सोचती है शादी करके फंस गए। अच्छा मायके वालों को देखो, मायके वाले की चर्बी, मतलब लड़के के मायके वाले की चर्बी, उनको पता है दुनियादारी के बारे में, क्योंकि वो औरत खुद ही झेल रखी है जब, क्योंकि वो भी कभी बहू बन के आई थी तो उसके साथ भी वही सब खेल हुआ। लेकिन फिर भी ये सब छोड़ करके उसका बाप स्वयं ये सब छोड़ करके उसकी शादी करवा देते हैं। फिर कहेंगे अरे ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित किस, तुमको खुद ही पता है मेरे बेटी को हम झोंक रहे हैं इस जगह, तो वही हाल होना है जो तुमने अपनी बीवी के साथ किया, वही वो अपने बीवी के साथ कर रहा है। गेम वही है, समझो जरा। ये घुमा के सिर्फ इनको नौकरानी चाहिए, और नौकरानी भी छोड़ो, मालदार नौकरानी चाहिए, पैसे भी लेके आती रहे, जब नहीं लाती है तो उसको टिकट काट देते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, आपको अपने बुद्धि को स्वयं रखना है। अगर आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं तो उसकी शादी कभी मत करना, और अगर करना भी तो बहुत सोच समझ के करना। जो लड़का खुद कमाता हो अच्छे से रख सके, ये नहीं कि कभी ससुराल में रख दे तो तुम वहाँ रोटियाँ बनाओ तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जाए और वो मज़े बाहर ले रहा है। क्योंकि जब वो उसको बाहर के एक बार मज़े मिल जाएंगे ना तो वो आपको कभी घर से नहीं लाएगा। तो गलती आपकी स्वयं की है, आपको जहाँ भी वो नौकरी करता वहाँ साथ जाना है। और लोग कहते हैं ना हम तो ससुराल के रहे, अरे ससुराल में तो आपकी सास भी थी, तो क्या उखाड़ ली, कुछ उखाड़ ली, कुछ कर पाई, वहीं का धन वहीं रह गया, वो खुद उसकी टिकट कट जाती है। तो इसलिए चार दिन की ज़िंदगी है, हंस गा के ज़िंदगी को गुजार लो। अगर आपको ना ले जाए वो पति तो उसी दिन उसको तलाक दे के दूर हो जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। 10 साल 15 साल बच्चे पैदा करके उसके साथ रगड़ करके क्या मतलब है, फिर तलाक दे के क्या मज़े मिलेंगे। तुम्हारी तो ज़िंदगी बुढ़ी की हो गई, जब तुम्हारी ज़िंदगी बुढ़िया की हो गई तो तुम क्या उखाड़ लोगी बुढ़िया में जा करके, यही करोगी, खाओगी एक जगह कचरे की तरह पड़ी रहोगी। जो आनंद मज़े लेने हैं पहले ही लेने हैं, तो इस चीज़ों को आप भूल जाइए। दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है तो इसलिए उससे समझौता रखना नहीं है। ऐसे आदमी से दूर रहे जो खुद नल्ला हो दूसरों को क्या करेगा। जब वो आपका खर्चा बाहर नहीं उठा पा रहा तो समझ जाओ वो आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा। और आप सोचोगे कि हम इज्जतदार हैं बहुत ज़्यादा, कोई इज्जतदार नहीं है। क्योंकि अगर आपके अंदर इतनी इज्जत होती तो अपने पति के साथ रहते, चाहे लड़के झगड़ के चाहे जैसे भी। आपकी शादी आपके पति के साथ हुई, आपके ससुराल वालों के साथ शादी नहीं हुई है, इस चीज़ का पहले तो गांठ बांध लीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं तो ससुराल में रोटी बना रहे तो पति का झक मरा रहा है बाहर जा करके। अरे पति के साथ जाओ, बहुत मजबूरी है तो बात अलग है, लेकिन फिर भी कोशिश करो। उसके साथ आप जाओगे तो 4 पैसा वो कमाएगा, तब 2 ही पैसा कमाओगे, कम से कम खुश रहोगे वहाँ पर। अब वो वही पैसा घर भेजेगा, अगर वो 10,000 में नौकरी कर रहा तो 500 भेज दिया उसने, 5 क्यों भेजेगा, 7 भेज देगा, 3 वो अपनी ज़िंदगी कुत्ते की ज़िंदगी जी रहा, तो ना वो अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रहा है ना आप जी पा रहे हो। इससे अच्छा उसके साथ जाओ, 50 बच्चा पैदा मत करो, 1-2 बच्चा पैदा करो। अगर आपको भाई ये हो रहा कि भाई हमको कहीं ऐसा ना, दुनिया वाले बहुत सारी बातें कह देंगे, तो दुनिया वाले आपकी वैसे भी ज़िंदगी झंड करने वाले हैं। अगर आप सक्षम हो, बच्चे की रखवाली कर सकते हो, अच्छे से देख रेख कर सकते हो, तो ही 1 बच्चा या 2 बच्चा
उससे ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं बच्चे ज़्यादा करना। कचरा मत पैदा करो, इंसान पैदा करो। कचरा तो हर आदमी पैदा कर रहा, कचरा तो हर आदमी रोड पे फेंक देता है, लेकिन जो इंसान कचरे को डस्टबिन में संजो के अच्छे से रख के उसको अच्छे से ले जाके कहीं उसको स्थगित करता है, वो मज़ेदार है। मेरा मतलब समझ रहे हो कि अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करते तो उनकी नौकरी चाकरी उनका भविष्य उनका साकार करो, नल्ला मत बनाओ उनको। वो तो पहले से नल्ला उसका बाप था, फिर तुमको ब्याह करके लाए कि शायद तुम मेरा काम करो, फिर तुम भी नल्ली हो गई उसी के साथ में। तो इसलिए कंट्रोल रहें, ज़िंदगी को जिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अगर मेरी वीडियो को बात आप लोग को समझ में अच्छी लगी हो तो लाइक करके फॉलो कर लेना, कमेंट तो कर ही देना अच्छा बुरा का। चलो बाय।